तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल हाइव यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है अरुण। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लाया हूँ एक स्पेशल ट्रिक जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर एक सिंपल ट्रिक की मदद से अपने विंडोज़ को क्लीन इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी पेन ड्राइव की मदद से, बिना किसी डीवीडी की मदद से, बिना किसी सीडी की मदद से। तो इस ट्रिक को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना समय गंवाएं इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस ट्रिक को करने के लिए कंडीशन अप्लाई है जो कि आपको फॉलो करना होगा। तो या आपके कंप्यूटर या फिर पीसी में पहले से आपका विंडोज़ इंस्टॉल रहना जरूरी है, या फिर आपका विंडोज़ चल रहा होना चाहिए, या फिर आपका करप्ट भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन उसके अंदर आपका रिकवरी मोड खोलना ज़रूरी है। तो जी हाँ, इस ट्रिक को करने के लिए रिकवरी मोड का खोलना ज़रूरी है, तो ये आप नोट डाउन कर लें। तो ये ट्रिक मैं उन लोगों के लिए बताऊँगा जिनके लिए पीसी खुल रहा है, और यदि नहीं भी खुल रहा है तो उसके लिए क्या ट्रिक है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहला ट्रिक मैं जो बताने वाला हूँ वो है आपके विंडोज़ यूज़र के लिए जिसका कंप्यूटर आपका खुल रहा है। सबसे पहले तो आप चेक कर लें कि आपका कंप्यूटर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, मतलब कि आप कौन से बिट में चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट या फिर 64 बिट। तो आप ये चेक कर लें, प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर लेने के बाद, और वो भी चेक कर लें कि आपका जो विंडोज़ का सेटअप आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है, ISO फाइल है, या फिर सेटअप जो भी है उसको आप रन करके चेक कर लें कि क्या वो सेटअप उस आर्किटेक्चर पे रन कर रहा है या फिर नहीं। तो यदि आपका रन कर रहा है तो समझ जाइए कि वो उस आर्किटेक्चर वाले सेटअप के कंपेटिबल है। तो सबसे पहले तो करना क्या होगा, जिनका कंप्यूटर ऑन है मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको स्टार्ट में जाना होगा, उसके बाद आपको पावर में जाना होगा। पावर में जाने के बाद आपको रिस्टार्ट का बटन देखने को मिल रहा होगा, तो उसमें क्लिक करना नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको शिफ्ट होल्ड करे रहना है, उसके बाद आपको रिस्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, जिसकी मदद से आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ रिकवरी मोड में चल जाएगा। मैं कहूँगा रिकवरी मोड इजीली है, कहना आसान होगा। तो ये दरअसल रिकवरी मोड है जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप बहुत सारे यूज़फुल फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर कोई प्रॉब्लम में फंस चुका है। तो सबसे पहले तो आपको जो रिकवरी मोड खुलेगा उसमें आपको जाना होगा ट्रबल शूट के अंदर। ट्रबल शूट के अंदर जाने के बाद आपको एडवांस ऑप्शंस में जाना होगा। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद आपको सिस्टम इमेज रिकवरी में जाना होगा। सिस्टम इमेज रिकवरी में जाने के बाद आपका जो रिकवरी मोड क्लोज होने के बाद आपका जो पेज खुलेगा वो होगा सिस्टम इमेज रिकवरी का। तो सिस्टम इमेज रिकवरी खुलने के बाद आपको सिंपली वहाँ पर अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है कि आपने किस अकाउंट से लॉगिन करना है। तो सबसे पहले तो लॉगिन कर लीजिए अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू। तो मैंने यहाँ पासवर्ड नहीं रखा है इसलिए मैं सिंपली नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, जो आपका खुलेगा वहाँ री इमेज योर कंप्यूटर, तो उसमें आपको कैंसिल कर लेना है। तो कैंसिल कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद आपको उसमें देखने को मिलता होगा इंस्टॉल ड्राइवर का ऑप्शन, तो उसमें आपको क्लिक करना है, फिर ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद आपको दिस पीसी में जाना है, और दिस पीसी के अंदर जाने के बाद आप उस लोकेशन पे जाइए जहां पर आपका विंडोज़ का सेटअप रखा हुआ है। तो जी हां, उसका सेटअप का मैंने फाइल रखा हुआ है, तो चलिए मैं इसे लोकेट कर लिया हूं। तो सबसे पहले तो आपको सेटअप जो exe फाइल होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल, उस पर आपको राइट क्लिक करना है और सिंपली रन एट एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा, जिससे कि आपका वो सेटअप रन हो जाएगा रिकवरी मोड के अंदर। तो ये अच्छा ट्रिक है जिसकी मदद से आप क्लीन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ बैकग्राउंड में रन हो गया है, तो चलिए बाकी सारे डायलॉग बॉक्स मैंने क्लोज कर दिए हैं। उसके बाद आप उस छोटे से डायलॉग बॉक्स को क्लोज ना करें, अगर आपने उसे क्लोज कर दिया तो आपका विंडो सेटअप भी कट जाएगा। तो आप एक डायलॉग बॉक्स को रहने दीजिए और साइड में रख दीजिए। उसके बाद आपने वह उसके सेटअप प्रोसीजर को फॉलो करिए और नेक्स्ट करते जाइए, और नेक्स्ट के बाद आपको जो जो फॉलो करना होगा स्टेप्स वो कर लीजिए, अपने अनुसार सेटिंग्स डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद जब आपका हार्ड ड्राइव सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा जहां पर आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना है फ्रेशली, तो उस फ्रेशली हार्ड ड्राइव को मान लीजिए, अगर आपको फॉर्मेट मारना है तो आप मार सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा यदि आपने फॉर्मेट मार दिया तो उसके बाद आपको विंडोज़ का सेटअप रन करना ही होगा। तो इसी दौरान अगर आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप डायरेक्ट बंद हो गया है तो आपका पीसी रिस्क में हो जाएगा, उसके बाद आपका पीसी
सिंपली बूटेबल पेन ड्राइव से ही ठीक होगा। तो ये ट्रिक मान लीजिए कि आपका सी ड्राइव फॉर्मेट मार देंगे तो ना उसके अंदर आपका रिकवरी मोड बचेगा ना कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही बचेगा, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो जब आप फॉर्मेट मार लेंगे उसके बाद आपको विंडोज़ का सेटअप प्रोसेस आगे कंप्लीट करना ही होगा। तो ये चलिए मैंने इंस्टॉल कर दिया है अपने हार्ड ड्राइव के ऊपर, सी ड्राइव के ऊपर। इसे मैंने फॉर्मेट नहीं मारा क्योंकि इसके अंदर मेरे यूज़फुल फाइल्स हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके यूज़फुल फाइल्स हैं तो किसी और हार्ड ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लीजिए या फिर कहीं बैकअप बना लीजिए। और यदि आपको फॉर्मेट मारना है तो वो भी आप मार सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको विंडोज़ का इंस्टॉलेशन कम्प्लीट करना होगा, और विंडोज़ का इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होने के बाद आप पूरा परफेक्टली मज़ा उठा पाएंगे विंडोज़ क्लीन इंस्टॉल का, और आप फ्रेशली इंजॉय कर पाएंगे अपने विंडोज़ को अपने पीसी या फिर लैपटॉप के ऊपर। और मैं बता दूं, ये दूसरा मेथड मैं बता देता हूं जिनका कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, मतलब कि आपका उसका डायरेक्टली ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में चला जा रहा है या फिर आपका क्रैश कर जा रहा है। तो आपने अगर आपका विंडोज़ बार बार क्रैश हो रहा है तो आप उसे दो बार रिस्टार्ट करिए तुरंत, मतलब अगर आपका कंप्यूटर ऑन होने की कगार पे है तो उसे तुरंत ऑफ करिए। फिर उसी तरह मतलब क्रैश करना है आपको विंडोज़ को, जिसकी मदद से वो ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में चला जाए। और रिपेयर मोड के अंदर जाने के बाद आपको सिंपली इसी फॉलो करना है स्टेप्स के अंदर, मतलब कि आपको उसके अंदर भी आपको सिस्टम इमेज रिकवरी का ऑप्शन खोजना होगा, उसके बाद ये सारे फॉलो करने होंगे स्टेप्स, जिसकी मदद से आपको विंडोज़ क्लीन इंस्टॉल करने के फीचर या फिर फ़ायदे आपको बेनिफिट उठा पाएंगे। तो ये हो गए हमारे विंडोज़ क्लीन इंस्टॉल का एक सिंपल ट्रिक, जिसकी मदद से आप विंडोज़ क्लीन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने किसी भी लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है, इसे मैंने पहली बार नोटिस किया था। तो इस ट्रिक का आप बहुत तरीके से उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि आप जैसे कि ई स्कैन का सीडी आता है तो उसके थ्रू भी आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ, आप उसके थ्रू भी विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यदि आपको उस तरह की वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं आपको उस वीडियो बना के आपको पब्लिश कर दूंगा। तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपको चाहूँगा इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो लाइक और ज़रूर शेयर करें। और यदि आप लोग के लिए वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियोस आप लोगों तक जरूर से ज़रूर और जल्द से जल्द पहुंचाता रहता हूं। तब तक मैं मिलना चाहूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्पफुल एंड हेल्प अदर्स। गुड बाय।